गुड मॉर्निंग। आज हम देखेंगे लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्यू। तो एरे से रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं क्यू का हमने देख लिया, सर्कुलर क्यू कैसे बनाते हैं वो भी देख लिया। लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन जब होगा तो लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन में क्या है, इनिशियली दोनों नल होंगे, फ्रंट और रेयर, ठीक है, और सिंगली लिंक लिस्ट रहेगा, कोई इशू नहीं है। अब क्या होगा, जैसे ही फर्स्ट नोड आएगा तो फर्स्ट नोड हमने क्रिएट किया जैसे कि हमने सिंगली लिंक लिस्ट में करते थे, सिंगली लिंक लिस्ट है ना, ठीक है, और ये ऐड हो जाएगा इसमें। जैसे ही ऐड होगा, मान के चलो ये 10 था तो 10, इसके बाद नल, ठीक। तो इस केस में क्या होगा, फ्रंट में भी 10 हो जाएगा और रेयर में भी उसी नोड का एड्रेस आ जाएगा। एडिशन अगर लिंक लिस्ट में देखना है तो लिंक लिस्ट को आप वीडियोज़ देख सकते हैं। अब अगर 20 आएगा तो ये तो फ्रंट और रेयर दोनों इस नोड को करेंगे, अब अगर 20 आया तो इसके आगे ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो 20 आया तो इसके आगे ऐड हो गया और यहाँ पर नल हो गया, ठीक है। तो अब क्या होगा, रेयर एड्रेस ऑफ 20 डिनोट करना चाहिए, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, 30 आया तो एड्रेस ऑफ 30 इसी के बाद लग जाएगा। अब रेयर ये डिनोट करना चाहिए। तो इसका मतलब है कि हम जो इंसर्शन करा रहे हैं वो किस तरह से करा रहे हैं, इंसर्शन एट लास्ट, और जो लास्ट नोड है उसका एड्रेस किस में स्टोर हो रहा है, 30 में। अगर हमें एक नई नोड चाहिए तो हम फिर से मैलॉक यूज़ करेंगे, ठीक है, उसमें पी जनरेट करेंगे तो एक इस तरह से जनरेट हो जाएगा। इसके डेटा फील्ड में दो ही फील्ड होंगी, इसकी डेटा फील्ड और नेक्स्ट फील्ड। डेटा फील्ड में 40 डाल देंगे अगर अगली नोड क्रिएट करनी है, और इसके नेक्स्ट में क्योंकि ये लास्ट नोड है तो नल डाल देंगे। और बस क्या करेंगे, जो आर है, आर का जो नेक्स्ट वाला पॉइंटर है उसमें इसका एड्रेस डाल देंगे। तो आर इज इक्वल्स टू पी डालेंगे तो जैसे ये होगा एड्रेस ऑफ 40 हो जाएगा और ये यहाँ जुड़ जाएगा, मतलब ये वाला नोड इसके बाद आ जाएगा, ठीक है। और आर इज इक्वल्स टू आर नेक्स्ट कर देंगे तो अब R में लास्ट वाले नोड का एड्रेस हो जाएगा। तो इस तरह से बढ़ते जाएंगे। अब अगर हमें डिलीशन करना है तो डिलीशन के लिए क्या करेंगे, डिलीशन के लिए देखो सबसे पहले कौन आया था, 10, तो डिलीट सबसे पहले कौन होगा, 10। तो अगर हम इंसर्शन फ्रॉम लास्ट कर रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिलीशन फ्रॉम बिगिनिंग, ठीक है। तो अगर हमें क्यू को लिंक लिस्ट से रिप्रेजेंटेशन करेंगे या इम्प्लीमेंटेशन करेंगे तब डिलीशन कहाँ, इंसर्शन लास्ट से करेंगे और डिलीशन कहाँ से करेंगे, बिगिन से। बिगिन से डिलीशन करने के लिए क्या करना होगा, ठीक है, वही जो मैंने स्टेप्स लिंक लिस्ट में बताए थे वही यहाँ करूँगा। मतलब जो डी क्यू होगा उसमें ऑपरेशन कौन कौन से होंगे, जो फ्रंट है एड्रेस ऑफ 10 होगा, इतने टाइम रेयर में एड्रेस ऑफ 40 होगा, ठीक है। अगर डी क्यू करना है तो सबसे पहले क्या करोगे, एक स्ट्रक्ट नोड टाइप का पॉइंटर ले लोगे क्यू, ठीक है, और क्यू में क्या करोगे, हेड का नेक्स्ट डाल दोगे। हेड का नेक्स्ट बोले तो एड्रेस ऑफ 20, ठीक है। अब क्या करोगे, हेड का जो नेक्स्ट है उसमें नल डाल दोगे। तो नल डाल दिया तो हेड ये था अभी, मतलब हेड सॉरी फ्रंट आएगा, यहाँ हेड नहीं है, फ्रंट है, ठीक है। फ्रंट का जो नेक्स्ट था उसमें तुमने नल डाल दिया, ठीक है, तो ये फ्रंट था ये, ठीक है। अब क्यू कौन सा हो गया, क्यू में एड्रेस ऑफ 20, मतलब क्यू ये वाला नोड हो गया, ठीक है। अब ये कर दिया तो इसमें नल कर दिया, अब क्या करोगे, फ्री कर दोगे तुम किसको, फ्रंट को। फ्रंट को फ्री कर दिया तो ये वाला नोड फ्री हो गया, ठीक है। तो अब ये वाला नोड फ्री हो गया तो क्या करोगे, बस फ्रंट में ये वाला फ्रंट है ना जो हेड होता था, इसमें किसकी इन्फॉर्मेशन हो जाएगी, अब इस वाली नोड की, तो फ्रंट इज इक्वल्स टू क्यू कर दोगे, यानी कि यहाँ फ्रंट में एड्रेस ऑफ 20 आ जाएगा। तो अब डायरेक्ट इसको डिनोट करेगा। देखो 10 नोड जो सबसे पहले आई थी अब वो डिलीट हो चुकी है, और क्या हो रहा है, तो डिलीशन फ्रॉम बिगिन कर दिया हमने, और जब ऐड हो रहा था तो वो दूसरे रियर वाले फ्रंट से हो रहा था, तो
इंसर्शन फ्रॉम लास्ट कर रहे थे, इंसर्शन एट लास्ट और डिलीशन फ्रॉम बिगिन। तो ये हो गया सिंगली लिंक लिस्ट के थ्रू कैसे हम उसको क्या करते हैं, क्यू को इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, डी क्यू का ये वाला बन जाएगा, एन क्यू का जो मैंने इंसर्शन एट लास्ट बताया था किस में, सिंगली लिंक लिस्ट में, उसके थ्रू बन जाएगा। ठीक है, बस यही है, स्टेप होंगे, पी बनेगा, आर में पी जाएगा और आर इज इक्वल्स टू आर नेक्स्ट हो जाएगा, तीन ही स्टेप्स होंगे। तो इतना इसे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लिंक लिस्ट के थ्रू क्यू का इम्प्लीमेंटेशन ये रहा। ठीक है, अगर हम उल्टा करेंगे, इंसर्शन फ्रॉम बिगिन करेंगे तो डिलीशन फ्रॉम लास्ट करना पड़ेगा। ठीक है, और लास्ट करना पड़ेगा और क्या होगा, रियर उस तरफ बढ़ता जाएगा, फ्रंट यहीं रहेगा, तो फिर फ्रंट से रियर होगा। लेकिन ये ज़्यादा आसान है, इंसर्शन एट लास्ट करो, डिलीशन फ्रॉम बिगिन करो, जबकि स्टैक में क्या हो रहा था, जिधर से इंसर्शन कर रहे थे उधर से ही हमें डिलीशन करना पड़ रहा था। बस इतना ही अंतर है दोनों में। ठीक है, थैंक यू।